विधानसभा उपचुनाव की, जिसके लिए आज डोर टू डोर कैंपेन का आखिरी दिन होगा और इसको लेकर प्रचार अभियान समाप्त हो चुका है। यहाँ झारखंड के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जेएमएम प्रत्याशी हफीजुल हसन अंसारी और बीजेपी प्रत्याशी गंगा नारायण सिंह के बीच मुख्य मुकाबला होने जा रहा है। मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री चुनाव प्रचार के अंतिम दिन अपनी अपनी पार्टी के प्रत्याशी की जीत के लिए प्रचार अभियान में अंतिम जोर लगाते देखे गए। मधुपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए 17 अप्रैल को मतदान हो रहा है। 2 मई को 5 राज्यों के लिए हो रहे विधानसभा चुनाव के साथ ही मधुपुर उपचुनाव के लिए भी वोटों की गिनती होगी। भयमुक्त वातावरण में निष्पक्ष चुनाव कराने की तैयारी प्रशासनिक स्तर पर की गई है। कुमेटा स्टेडियम से पोलिंग पार्टी को ईवीएम और वीवीपैट के साथ गंतव्य के लिए रवाना किया गया। शनिवार की सुबह 5 बजे 487 मतदान केंद्र पर मॉक पोल होगा, उसके बाद वोटर अपने मताधिकार का प्रयोग कर पाएंगे। उपचुनाव में मधुपुर विधानसभा क्षेत्र के 487 मतदान केंद्रों पर 3,22,090 मतदाता अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे, अपने वोट के अधिकार का। तो मॉक ड्रिल, जब प्रतिनिधि संतुष्ट हो जाएंगे हर पार्टी के कि हाँ सब कुछ ठीक है, वीवीपैट ठीक है, ईवीएम मशीन ठीक काम कर रहा, उसके बाद ही मतदान की प्रक्रिया शुरू होती है। तो 487 मतदान केंद्रों पर मतदान होगा 17 अप्रैल को। मधुपुर में मुकाबला हफीजुल हसन अंसारी और गंगा नारायण सिंह के बीच ही माना जा रहा, हालांकि जो निर्दलीय है वो जरूर वोटों का समीकरण बिगाड़ सकते हैं।